पीप्स, दिस इज एसजे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक व्लॉग देखने वाले हैं करतारपुर के ऊपर, जो युखानो का व्लॉग है। युखानो का मैंने एक व्लॉग पहले भी देखा हुआ है, आपको मिल जाएगा लिंक में, आई विल पोस्ट द लिंक ऑन द वीडियो। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। मैंने करतारपुर के ऊपर भी अभी तक कोई भी व्लॉग नहीं देखा है, ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा। हम लोग प्लान भी कर रहे थे एक बार कि हम करतारपुर का प्लान बनाएंगे लास्ट ईयर, बट देन ये सिचुएशन इस तरह की हो गई। तो चले, जब भी सिचुएशन ठीक होगी आई विल डेफिनेटली, जैसे ही फर्स्ट चांस आई गेट टू बी देयर आई विल गो देयर। आई रियली वॉन्ट टू गो। आई हैव सम प्लान्स विद माई फ्रेंड्स एंड आई, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने मम्मा को भी ले जाना चाहती हूँ, बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान। और पापा जाना चाहते थे बट वो नहीं जा पाए एंड ही इज नो मोर विद अस। सो लेकिन अभी मम्मा को ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनको भी जरूर ले जाना चाहूंगी। तो चले, बाकी की बातें हम इसके बाद करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स चेक दिस वीडियो आउट। 1, 2 and 3। ओके, तो ये 15 फरवरी को इन्होंने वीडियो जो है शूट की है। सिंस द पार्टीशन इन 1947 इंडिया और पाकिस्तान तीन जंगें लड़ चुका है, एंड टिल दिस डेट देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, द मीडिया हैज बीन प्रमोटिंग हेट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स ऑन द न्यूज़ चैनल्स। बट द क्वेश्चन इज, डू इंडियंस एंड पाकिस्तानीज रियली हेट ईच अदर? टू फाइंड दैट आउट, वी अरेंज्ड अ मीट एंड ग्रीट विद सम फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। अच्छा, एट करतारपुर। इट्स अ कंबाइंड व्लॉग फ्रॉम इंडियन व्लॉगर्स एंड युखानो एंड हिज टीम और फ्रेंड्स मे बी। Finally, मैं और मंगी करतारपुर जा रहे हैं। मंगी इसमें देखिए, मंगी बट मैं और मंगी सिर्फ नहीं है, हम बंदूक खान जा रहे हैं लिबर्टी, और वहाँ पे जो है बाकी की टीम इंतजार करी जो कि मेरे साथ करतारपुर जाएंगे। वो लोग बस पे जाएंगे, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ लीव, पुलिस मैंने कहीं और जाना है। और करतारपुर पाकिस्तान वाली साइड से हम जा रहे हैं, इंडियन साइड से हमारे कुछ इंडियन दोस्त आ रहे हैं जो कि एक्सप्लोर करते हुए व्लॉग बनाते हुए सारा रास्ता दिखाते हुए वो लोग आ रहे हैं हमसे मिलने। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था ये बहुत फास्ट बोलते हैं। चलो वही। So, as a Indian parent, what do you think, what are your feelings when I said that I wanted to go to Pakistan? Yeah, I feel very proud. Wow. Very proud that my son is doing something like this, and we have our full support, because it's love and only love. There's no fear, there's no tension, there is no animosity. It's only love and love. Love can heal this world. Like, I'm very glad that I'm getting the support of my parents, because a lot of the other participants who wanted to come, the only reason they could not come is because they were said no. People said you can't go because the family was like intention, or whenever you hear the name Pakistan, yeah, in India, there's always some negativity attached to it. And that's why a lot of people were rejected by their parents to when this idea came up in their mind. Jo bole Sonyal, sasti akal. To bas wahi ATA leke jana hai, sabko submit karna hai. और वही डॉक्यूमेंट चाहिए अंदर जाने के लिए, ईटीए और अपनी पासपोर्ट लेके जाओगे। और पासपोर्ट तो नेसेसरी है, ईटीए भी नेसेसरी है, वरना दे वोंट अलाउ। और 14 दिन पहले से अप्लाई करना पड़ता है, अगर आपको आज की डेट चाहिए तो 14 दिन पहले उस वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट बहुत 5000 लोग से कम जा सकते हैं एक टाइम पे। ओके, हम यहाँ पे पहुँच गए पार्किंग लॉट करतारपुर के। ये पीछे से आपको टिकट मिलती है। टिकट कितने की होती है बॉस, कोई आईडिया? 200 रुपए की टिकट होती है। सो लेट्स गो। जरूरी है टिकट लेना, बहुत जरूरी है। देखें, टिकट नहीं लेंगे तो देखें, टैक्स पे करना चाहिए, जरूरी है। नहीं पूरी वैसे चाय भी नहीं पिए, वो भी यही बोल रहे। दर्शनी ड्योड़ी ड्योड़ी, मैंने पंजाबी पढ़नी आंदी है। ओके, दिस इज द मोमेंट, हम सब खड़े हैं बॉर्डर के इस पार। यार कितना सही लगता होगा ना थे जब एंटर करते होंगे। वाओ, मेरा ड्रीम है यार, मैं भी जाना है। काफी शांति, अच्छी फीलिंग, और ऐसे कुछ डर की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
पाकिस्तान के अंदर एंट्री करने के लिए लोग पहली चीज ये बताते हैं सबको कि यार कुछ डरने की बात नहीं है यहाँ पे, और वो थोड़ी सीरियसली बहुत हाई, हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे, इतनी शांत जगह हम लोग कभी नहीं देखा अभी तक। वो जो स्टिग्मा साउथ इंडियन एक्शन स्टीरियोटाइप था कि पाकिस्तान मतलब ये गोली बारूद बॉर्डर ये सब कुछ नहीं था, लाइक पीसफुली वी एंटर्ड। अच्छा आई होप उसने आपको आसपास की जगहें दिखा दी होंगी, मैं भी दिखा देता हूँ कि पीछे आप पाकिस्तान का फ्लैग है और ये आए भागते हुए रोहन भैया। व्हाट अ कूल फीलिंग, दर्शनी ड्योड़ी है ये, मतलब अच्छा वो ये बांधना पड़ता है। हेलो शिव उस तरफ से ब्लॉग करता हुआ आ रहा था, उम्मीद है अच्छी फुटेज ली होगी इसने, हमें सारा बता देंगे ये किस तरह से इंडियन साइड से आप एंटर होते हो पाकिस्तान। आई फाइंड इट वेरी लवली दैट ऑल ऑफ अस कैन गैदर हियर इन दिस वन प्लेस। What a memorable moment they enjoy. मैं कह रहा हूँ मंगी कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। मंगी इंडिया में भी सबको पता है तो बहुत छोटा है। खैर है। यार ये इंडिया से हमारे दोस्त आए हैं और इनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, यार डिंचक पूजा का क्या सीन है? अरे बाबू चाहिए सीन है, डिंचक पूजा हो जाता है, सागा है अभी, सागा सागा तो सीन है भाई हमारा। अच्छा इसका कुछ आया शायद इनके पास जवाब पहुंच गया था पहले, लगता पहले भी हो चुका है। सिक सारे नु मेरा नाम दीप सिंह सोनी है ते बेसिकली बिलोंग करता बठिंडा पंजाब तो, इस टाइम मैं बेंगलोर तो इतने आया तो करतारपुर साहब की अहमियत बहुत वड्डी साडे लई, जिवें तुहानू पता गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम साल इसे गुरुद्वारे च बिताए ने, तो जिवें वंड तो बाद जिवें एक गुरुद्वारा तो ननकाना साहब जिथे उन्हां दा जन्म होया सी इस साइड ते रह गए सी, तो सिखां लई बहुत ही मतलब बुरी गल सी, तो बट जिवें ही करतारपुर साहब खुल्लिया तो असीं अपने दर्शन करन आ सके इत्थे, जिवें गुरु नानक देव जी दे असीं देखिया सारा कुछ तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होई, दिल नूं बड़ी सुकून मिलिया, तो उस तो बाद पाकिस्तान के सारे लोगों को मिले बहुत ही प्यार, तो बस अही चाहते कि अगे भी एवें होज इन्ना कोरीडोर खुले अगे जो बाकी भी तारा लगी वह भी खुले जाए। इमिग्रेशन वाले ले गए भाई, कह रहे हो हमारे लिए पहले ले आते तुम, इमिग्रेशन में मिठाई हमारे लिए आई थी आज इमिग्रेशन वाले खा के, कोई नहीं खैर प्यार बढ़ता है, बढ़ चुका है प्यार। दिस इज कॉल्ड सोनदेश, दिस इज फ्रॉम कोलकाता एंड दिस इज फ्रॉम लाइक दिस शॉप इज लाइक 1844 SRK और अमिताभ बच्चन का फेवरेट स्वीट शॉप है, खा कर देखना एक बार। देखो सब कुछ अलाउड है, हमें पानी तक नहीं लागे नहीं दिया, ये पहले हमने मिठाई खिलाई, अब आपको पहले नमकीन है ऑल द वे फ्रॉम इंदौर। दीज आर लड्डू फ्रॉम जालंधर पंजाब, राइट नाउ टू स्टेट्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, सो इन आंध्र प्रदेश देर आर टू रीजन्स ओके कोस्ता एंड रायलसीमा। ये तेलुगु तेलुगु मूवीज के बता रहे, सो इवन दो बाहुबली के बता रहे, इवन दो वी आर फ्रॉम द सेम प्लेस वी स्पीक सेम लैंग्वेज द व्हाट यू से द स्लैंग इज वेरी डिफरेंट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। एक सिंधी और एक तेलुगु दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अल्लाह जाने क्या बात है, समझ आने दूसरे को उनको कुछ ही समझ आने वाली। शिव के लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, ऑब्वियसली पठान हूँ तो मैं पठानी टोपी और पठानी चादर। शिव हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। कहाँ से है? मुंबई के कप्स डायरिया, जिसमें इसमें सब ब्रेकअप स्टोरीज हैं, कैरेक्टर्स बने हुए इसमें सारे इंडिया की पब्लिक की
सर मेरा पहला लव लेटर हाय आई एम अंकित आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई वांट टू से यू गाइस इन बंगाली आमी तुम्हाके भालो आशी इट मींस दैट आई लव यू ऑल ओके लव यू टू बोल स्टिग्मास देखने को मिलते हैं जब किसी को बताते हैं कि वी आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री तो माहौल ऐसा है मतलब मीडिया ले लो या जैसे भी लोगों एक स्टीरियोटाइपिंग होती है दोनों साइड से आई गेस मेरे लिए ये ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान वालों से मिलने आ रहे हैं मेरे लिए मेरे दिमाग में ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग अलग आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द परमिशन टू कम हियर एवरीथिंग वॉज ईजी लाइक वी वर ट्रीटेड वेरी लाइक रिस्पेक्टफुली एंड इट फेल्ट वेरी होमली सो राइट नाउ लाइक लास्ट नाइट आई हैड अ बिट ऑफ लाइक एंग्जाइटी कि लाइक हमारे स्टिग्मा होती है हमारी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं बट आज सुबह मैं यहाँ पर मैं बैठा हूँ आई फील लाइक आई एम एट होम डूड आई गॉट सो इमोशनल आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज राइट इन दैट स्पीच जा रहे यार तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं ये वीडियो देखने के बाद इस बात का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, बॉर्डर्स मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाना छोड़ दें और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं इस पे फोकस करें तो ये हमारे बीच मोहब्बत का बाइस बन सकती है हम ये बात कैसे बुला सकते हैं कि हम एक ही मुगल डायनेस्टी से दो कंट्रीज बने हैं दो नेबरिंग कंट्रीज और नेबर्स अच्छा एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं और इसकी एग्जांपल आज आपने फर्स्ट हैंड देख ली कि कैसे हमारे दोस्त इंडिया से हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आए वहाँ की चीज़ें हमारे साथ शेयर की वहाँ की स्टोरीज और हमने किस तरह से उन्हें रिसीव किया लेट दिस बी एन एग्जांपल फॉर दोस्त जो मीडिया पे इन दो कंट्रीज के बीच में हेट्रेड और नेगेटिविटी फैला दें तो उसका जवाब आपको इन दोनों कंट्रीज की यूथ मिलकर देगी अगर आप प्यार का एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान आपको सरप्राइज देगा अल्लाह हाफिज थैंक्स टू ब्रियान कपूर आवर फुटेज एंडेड अप इन द ऑफिशियल व्लॉग ऑफ यस थ्योरी We've been seeing more and more of this happening in the Yes Fam community. This weekend, a group of people from the Yes Fam flew out to Stephanie and Edgar to surprise Xavier's mother at the restaurant she manages. And on the other side of the world, Yes Fam India and Yes Fam Pakistan held a meetup together despite political tension at the border to show unity and compassion for each other. As a community, you guys are actively creating that positive ripple effect. Vlog by Yukhano and his friends from India. मुझे उनका नाम नहीं पता है because obviously I don't react on Indian videos as much. But it was very very nice, beautiful initiative from both the people, both sides people like Yukhano and his friends and Indian vloggers also. So I think it is true that normal people they doesn't think this way. Yes, our medias and you know there are few people who create tension because obviously is tension se bahut logo ki dukaan chalti hai bahut logo ka fayda hota hai hame sab pata hai abhi lately maine Patal Lok dekha hai ek series और उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फील करी जो मुझे अच्छी नहीं लगी उसमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया हुआ था बट थैंक्स टू यू नो आजकल जैसे नेटफ्लिक्स है प्राइम है तो उस तरह के कट नहीं लगते हैं सेंसर में और बहुत सारी चीज़ें हमें सब पता चलती हैं व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंड किस तरह से होती हैं चीज़ें सो इस व्लॉग को देखने के बाद ना मुझे मेरा मन कर रहा है कि आई शुड शेयर माई फैमिली स्टोरी अबाउट पाकिस्तान अबाउट माई डैड माई मॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स सीरियसली मेरा मन करता है बट आई हैव लॉस्ट माई फादर माई ग्रैंड पेरेंट्स तो अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं अवेलेबल बट देन ऑल्सो देर आर फ्यू वेरी टची मोमेंट्स विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल गाइज सो आई एम थिंकिंग
बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं. आई रियली लाइक दिस वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी जाना चाहूंगी. श्योर मैं वहां पे एक दिन जरूर 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 आऊंगी. मुझे ये देख के बहुत और मोटिवेशन मिली और मैंने फर्स्ट टाइम करतारपुर का व्लॉग देखा है, अभी तक मैंने देखा नहीं था. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस वीडियो. और इस तरह की वीडियोज आप मुझे सजेस्ट करते रहे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. जस्ट स्मैश द सब्सक्राइब बटन और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा. और नाउ आई टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए. सो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ.